बात रखनी है 22 साल की, लेकिन टाइम है मेरे पास ओनली 15 मिनट का। दोस्तों आप लोगों को बधाई। सबसे पहले मैं देता हूं कि आप एक ऐसे सिस्टम में आ गए हैं जहां पर आपको संभालने के लिए हजारों हाथ है और हजारों लोग आपको दिल से चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम में कामयाब हो जाए। लेकिन किसी भी चीज की सफलता, किसी भी चीज की कामयाबी जिस चीज पर डिपेंड करती है वो होता है बैक टू बैक डुप्लीकेशन। अगर आपकी टीम में आप जैसा आदमी आप अपने नीचे तैयार कर पा रहे हैं तो वहीं से डुप्लीकेशन चालू होती है और वही इस बिजनेस का मेन आधार होता है, वही इस बिजनेस का मेन ग्रोथ का आधार होता है। एक एक चीज को डुप्लीकेट करना, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपके आगे जाने वाले अपने अनुभव के आधार पर अपने रूल कायम कर देते हैं और आपको वहां तक जाने तक के लिए कहीं पर भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एक रूल बना हुआ होता है, उस रूल के आधार पर हमें वहां तक पहुंचना होता। छोटी छोटी बातों पर डुप्लीकेशन होती है। इवन देन जब मैं इस बिजनेस में आया था मेरी एज मात्र 26 साल की थी, और 26 साल की एज होने की वजह से जब हम किसी बड़े व्यक्ति को या बुजुर्ग व्यक्ति को प्लान बताते थे तो सारे लोग हमें कहते थे, यार तू इतना छोटा सा बच्चा है, तू क्या हमें बिजनेस समझाएगा, और तू लाखों करोड़ों की बात कर रहा है और तेरे पास तो कुछ पैसा आता नहीं है। और वो मुझे एग्जाम्पल देते थे कि हमारे जो बाल है ना वो धूप में सफेद नहीं हुए हैं, हमारे पास बहुत सारे अनुभव हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, ऐसी बहुत सारी स्कीमें आती और जाती है, कुछ होने वाला नहीं। और मेरी बात कोई मानता नहीं था। लेकिन जब मेरी अपलाइन प्रहलाद राय जी, मेरी अपलाइन श्रीमान केसी छाबड़ा जी और बीसी छाबड़ा जी की हम बात सुनते थे तो बीसी छाबड़ा जी को मैं बहुत नजदीकी से फॉलो करता था। बीसी छाबड़ा जी बार बार एक चीज कहते थे कि कॉपी कर लो, इस बिजनेस में कॉपी कैट मार्केटिंग चलेगी, जितनी आप कॉपी करेंगे उतना इस बिजनेस में जल्दी सफल हो जाएंगे। पहिए का आविष्कार हो चुका है, आपको बार बार पहिए का आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी अगर दिल्ली जा चुका है तो आपको नए अनुभव लेने की जरूरत नहीं है, जो दिल्ली जा चुका है उससे पूछ लो कि कहाँ कहाँ स्पीड ब्रेकर आते हैं और कहाँ कहाँ में कौन कौन से चैलेंज आने वाले हैं, ताकि दिल्ली तक जाने में हमारा अनुभव लेने में समय खराब ना हो। और इस डुप्लीकेशन में सबसे पहली चीज, मैं इतना पागल था, इतना दीवाना था इस बिजनेस के प्रति, तो आपको आश्चर्य होगा कि बीसी छावड़ा जी, पहले मैं जो बाल रखता था ना वो अमिताभ बच्चन वाले रखता था और यूं पूरे के पूरे बाल पीछे की तरफ रहते थे, लेकिन जब बीसी छावड़ा जी ने ऐसे बाल रखना चालू किया ना तो मैंने बिना सोचे समझे अपने बाल की स्टाइल बदल ली। वो टाई हमेशा पहनते थे, मैंने टाई पहनना चालू कर दिया। वो सूट हमेशा पहनते थे, मैंने सूट पहनना चालू कर दिया। और जैसे वो बोलते थे वैसे मैंने बोलना चालू कर दिया। वो दिन रात लोगों से बात करते थे, मैंने भी बात करना चालू कर दिया। वो दिन रात लोगों को प्लान बताते, मैंने भी दिन रात लोगों को प्लान बताना चालू कर दिया। और हूबहू कॉपी करने की वजह से आज इतने अच्छे गुरु के सानिध्य में रहने की वजह से हम यहाँ पर आए। डुप्लीकेशन में सबसे पहले क्या चीज होती है, आप जैसे देख लेना कि अगर आप खुद सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो आप अपने बच्चे को जब भी आप सिगरेट और बीड़ी पीने के लिए मना करेंगे ना तो आपकी बात में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद उसे पीते हैं। एक दादी थी जो अपने पोते को लेकर एक महाराज के पास गई थी। पोता जो है गुड़ बहुत खाता था, गुड़ खाने का उसे बहुत शौक था, और दादी जो है ना बार बार उसे मना तो करती थी लेकिन दादी का दिल जो है इमोशनल था अपने पोते के प्रति, और उसे गुड़ खाने के लिए दे देती थी लेकिन मन से चाहती थी कि वो गुड़ कभी ना खाए। इसलिए वो महाराज के पास गई और महाराज के पास जाकर समस्या बताई। महाराज ने महाराज को बोला कि महाराज ये मेरा जो पोता है ये बहुत गुड़ खाता है, आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये गुड़ ना खाए। महाराज ने उस बच्चे की तरफ देखा, अपनी आंखों को नीचे किया और कहा कि माताजी आप ऐसा करो 7 दिन बाद आओ। 7 दिन बाद गए, 7 दिन के बाद महाराज ने फिर कह दिया 7 दिन, फिर अगले 7 दिन बाद फिर महाराज ने 7 दिन, ऐसे करते हुए 1 महीना निकल गया। महाराज कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अगला सप्ताह यानी 5वां सप्ताह आया तो महाराज ने सिर पर हाथ रखकर बच्चे को धीरे से बोला, बेटा आंखों में आंखें मिलाकर। उससे पहले महाराज आंखें नहीं मिला रहे थे, इस बार महाराज ने आंखों में से आंखें मिलाकर बच्चे को धीरे से बोला, बेटा गुड़ खाने बुरी बात, गुड़ नहीं खाना चाहिए। कमाल ये हुआ कि बाबा की बात इतनी जोरदार लगी कि बच्चे ने गुड़ खाना अगले दिन से बंद कर दिया। लेकिन दादी को एक बात समझ में नहीं आई, वो बात ये थी कि जब एक लाइन में बोलना था कि गुड़ खाना बुरी बात है तो ये तो महाराज पहले ही बोल सकते थे, पहले क्यों नहीं बोला। तो वो महाराज के पास इस जिज्ञासा के साथ वापस गई और कहा कि महाराज आपको जब एक लाइन बोली थी वो मेरे को 5 बार आपने क्यों घुमाया, ये आपको पहली बार में बोल देना था। तो महाराज ने एक बात बोली कि देवी मैं खुद पहले इतना गुड़ खाता था और मेरा गुड़ खाना ही मेरी इतनी आदत थी कि तो मैं खुद गुड़ खाता हूं तो मैं इसको कैसे सजेशन देता हूं, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था इसको बोलने का, तो मैं इतने दिन खुद प्रैक्टिस कर रहा था गुड़ खाने की,
गुड़ नहीं खाने की, और उसकी वजह से कि मैंने जिस दिन गुड़ खाना छोड़ दिया उस दिन मैंने कॉन्फिडेंस से बोल दिया और बच्चे ने उस बात को मान ली। इसका मतलब यह है कि इस बिजनेस में जब भी कोई डुप्लीकेशन होती है तो आपको आइडियल माना जाता है, आपको टीम का हीरो माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी अपलाइन की तरह मैं बनूं, और अपलाइन की तरह बनूं तो हर चीज डुप्लीकेशन होती है, और डुप्लीकेशन पे सबसे पहला पॉइंट होता ना वो कट्टरता होती है, और उसे कहते हैं 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज। 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज। नो एक्सक्यूज मतलब नो एक्सक्यूज। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बीसी छाबड़ा जी की सेमिनार में जाता था और वो कहते थे कि हमें 100% आरसीएम के जो जो भी प्रोडक्ट आएंगे उनका इस्तेमाल करना है, सूट सिलाना है, मैंने सूट सिलाया, उन्होंने कहा टाई पहननी है, आरसीएम में टाई नहीं आई थी, मैंने टाई खरीद ली और टाई पहनना चालू कर दिया और एक एक चीज को डुप्लीकेट किया। जब आरसीएम का पेन आया तो मैंने पेन भी आरसीएम का रखना चालू कर दिया, और जब मैंने ऐसा किया तो मेरी टीम के भी सारे लोग ऐसा ही करने लगे। मैं पहले भाषण देता था, भाषण कोई नहीं सुनना चाहता। मेरे भाई तुम अपने बच्चों को भाषण देके देख लेना, तुम बच्चे को जब 10 बार समझाओगे तो बच्चे भी तुम्हें टोकने लग जाएंगे। क्या बोलेंगे? पापा इतना ज्ञान मत फैलो, आप इतनी लंबी बात मत करो, एक लाइन में बात करो, आपके बच्चे ही आपको टोक देंगे। इसका मतलब यह है कि कोई आदमी ज्ञान नहीं लेना चाहता, हर व्यक्ति देखना चाहता है, इसे करते हुए आइडियल व्यक्ति को देखना चाहता है, और तभी वो डुप्लीकेशन करता है। 100% नो प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज। अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं और हमारे घर में अगर आरसीएम के प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हम अपराध कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, आरसीएम को बदनाम कर रहे हैं, और हम टीम में डुप्लीकेशन का गलत आदत कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए कि जब आप आरसीएम की मीटिंग में जाते हैं और आपने सॉक्स जो है आरसीएम के नहीं पहने, किसी और कंपनी के पहने हैं, और जब ये बात आपकी डाउनलाइन को पता चलती है तो डाउनलाइन भी वैसे ही डुप्लीकेट हो जाती है। वो भी कुछ भी पहनती है लेकिन स्टेज पर बोलती है कि आरसीएम का पहनो, आरसीएम का खाओ, और तभी क्या होता है, भाषण देने वाले लोग वो सारे तैयार हो जाते हैं लेकिन उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बीइंग ए लीडर, अगर मेरे घर में कोई भी आरसीएम का प्रोडक्ट आता है तो मैं अपराधी हूं, ये चीज अगर आपने मान ली तो आपके लिए डुप्लीकेशन के लिए एक रामबाण साबित होगा। हर चीज सबसे पहले आपको करके देखनी पड़ेगी। कोई भी लीडर दुनिया में टॉप पर नहीं जाएगा अगर वो हमेशा कहेगा कि भीड़ तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे पीछे हूं। हमेशा लीडर कहता है मैं आगे चलता हूं तुम आओ मेरे पीछे। जब आप ऐसा कहते हैं तब आपकी डुप्लीकेशन करती है। आपके घर में अगर एक भी प्रोडक्ट दूसरा पाया जाता है तो वहां से गड़बड़ होगी, क्योंकि जब डायमंड क्लब की बात आती है या 5000 पीवी की बात आती है, उस 5000 पीवी में सबसे पहले अगर हम नहीं करते और हम केवल डायलॉग बोलते हैं कि 5000 पीवी करो, 5000 पीवी करो, तो डायलॉग ही रहेगा, लोग इस कान से सुनकर इस कान से निकालेंगे। अगर आप करते हैं, सबसे पहले आपको करना है, अपने ग्रुप में सबसे पहले डालना है और आपको उस प्रोडक्ट को सेल करके बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज। आज अगर इस बिजनेस को करना है तो सबसे पहले कसम खानी पड़ेगी, वो कट्टरपंता दिखानी पड़ेगी कि मेरे घर में कोई दूसरा प्रोडक्ट आएगा ही नहीं और आ ही नहीं सकता। अगर इस बात को मानने के लिए आप तैयार हैं तो मैं अगली बात करने के लिए तैयार हूं। बाकी आप टाइम पास कर रहे हैं, और अगर टाइम पास ही करना है तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्म आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज आ रही है, उनको आप देखिए, जितना चाहिए उतना टाइम पास कीजिए। लेकिन अगर कामयाब होना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं मेरी अपलाइन की तरह, आप कामयाब होना चाहते हैं मेरी तरह, तो आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज। ऐसी किसी भी बात को अपने जवान से मत निकालना जो आप नहीं करते। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं है तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरसीएम की मीटिंग अटेंड नहीं करते, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, तो आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायमंड क्लब नहीं करते तो आप डायमंड क्लब का भाषण मत दीजिए, लोग भाषण सुनने नहीं आएंगे, लोग आएंगे आपके जैसा बनने के लिए, आपके जैसा आइडियल बनने के लिए। और अगर आइडियल बनना चाहते हो लोगों के लिए, तो आज के बाद एक एक कदम ऐसा करो कि हर चीज डुप्लीकेशन हो जाए। मुझे अच्छी तरह पता है कि जब मैं मीटिंग सेमिनार में जाता था तो बीसी छाबड़ा जी का बहुत बड़ा कद था उस समय, बड़े बड़े लीडर का बहुत बड़ा कद था, लोग उनकी वैल्यू करते थे, उनका ऑटोग्राफ लेते थे। और जब मैं मीटिंग लेने जाता था तो मुझे तो कोई स्टेशन पर लेने नहीं आता था, बस स्टैंड पर लेने नहीं आता था, मेरा तो कोई वेलकम नहीं करता था। तो मैंने बीसी चावड़ा जी से कहा कि भाई मैं रॉयल्टी पे पहुंच गया हूं, अब मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता जैसा हम आपके साथ करते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम अगर ये करते हुए लोगों को जब तक नहीं बताओगे तब तक लोग बात तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। आप तुम लोगों को कहोगे कि मेरे लिए वेलकम करो, मेरे लिए फूल माला लाओ, मेरे लिए सब कुछ करो, तो कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा और तुम्हारी इमेज और डाउन होना चालू हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हें करके दिखाना है। तो उसके बाद जब मेरी अपलाइन मेरे शहर में आती थी तो मैं दौड़ कर जाता था उनके पास, गाड़ी का गेट खोलता था,
उनके हाथ में से बैग लेता था, उनको एक बुके और गुलाब का फूल देता था और कहता था वेलकम सर। लेकिन जब मैं ये करता था तो मेरी टीम के 10 सदस्य मेरे पीछे खड़े होते थे और वो बोलना देखना देख देख कर सीख जाते थे, और जब मैं अगली बार उनके गांव में जाता था तो वो का वही ट्रीटमेंट मेरे साथ करते थे। एक एक पॉइंट पे डुप्लीकेशन होगा। अब आप अपनी टीम के साथ बैठे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, एक तरीका है आपस में गप्पे मारिए, बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, और एक तरीका है कि ऐसा पॉइंट फेंकिए कि सामने वाले आदमी, हर व्यक्ति उसको डुप्लीकेट करने के लिए तैयार हो जाए। जब आप ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में उनसे बात करने की बजाय आप किसी एक नए आदमी से परिचित हो जाइए, परिचय लीजिए, नए आदमी से बातचीत की शुरुआत कीजिए, बात को आरसीम में ले जाइए और आरसीम का प्लान दिखाइए। जब आप अपनी टीम के 5-7 बंदों के सामने ये काम करते हैं ना, तो आपके बंदे ऑटोमेटिक अगली बार जब ट्रेन में जाएंगे तो आपस में बात नहीं करेंगे, वो बात करना चालू कर देंगे टीम के लोगों के साथ। इसका मतलब यह है कि डुप्लीकेशन टिकी हुई है खुद के ऊपर, और खुद अगर आप करेंगे तो 100% काम होगा। तो पहला काम, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार हैं तो मैं दूसरे पॉइंट की बात करूंगा। अगर आप करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप टाइम खराब मत कीजिए, आप क्विट कर जाइए, इस बिजनेस को क्विट कर जाइए, इस जूम की मीटिंग को क्विट कर जाइए, क्योंकि आगे की कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो जो जो करना चाहते हैं एक बार अपना हैंड रेज कीजिए। मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, हैंड रेज 30 सेकंड के अंदर आप हैंड रेज कीजिए। 30 सेकंड में आप यूट्यूब चैनल पर लिखिए यस मैं तैयार हूं। अगर आप पहले काम के लिए तैयार हैं तो मैं बताता हूं आपको दूसरा काम क्या करना है। 100% प्रोड्यूस, नो एक्सक्यूज करने के बाद सिंपल सा काम है, 3-4 लाइन का एक सिंपल सा मैसेज है, यूज द प्रोडक्ट, खत्म हो गया, प्रमोट द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट एंड बिल्ड द नेटवर्क। प्रमोट द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट एंड बिल्ड द नेटवर्क। अब आपको जो जो प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, अब आपको जो जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, सिर्फ उनके बारे में आपको तारीफ करनी है। आपको किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में तारीफ नहीं करनी है, खबरदार, तारीफ नहीं करनी है जिसको आपने इस्तेमाल ही नहीं किया है। क्योंकि आप अमिताभ बच्चन नहीं है, आप शाहरुख खान नहीं है, माधुरी दीक्षित नहीं है कि लोग आपका चेहरा नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई, हमारा चेहरा जो है ना कलाकार का नहीं है, हमारा चेहरा सामने वाले को सब बता देता है, और हम चेहरे पहचानने के कलाकार लोग हैं। जैसे एग्जांपल, तुम तुम्हारी माँ के पास जाते हो ना तो माँ तुम्हारे चेहरे को देखकर धीरे से बोल देती है, क्यों आज बहुत उदास लग रहा है। तुमने बोला नहीं मैं उदास हूं, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे चेहरे को पढ़ लिया। तुम्हारे दोस्त के तुम पास जाते हो और तुम बहुत खुश होते हो तो तुम्हारे दोस्त पहचान जाते हैं और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे से कहते हैं अरे भाई क्या बात है, तुम बहुत आज खुश नजर आ रहे हो। इसका मतलब यह है हमारे बोलने से पहले हमारा चेहरा बोलता है, और जिस दिन हमारा चेहरा बोलना चालू होता है तो सामने वाला उस बात को समझ जाता है। एक होता है सेल्समैन बनना और एक होता है सच्चा सेल्समैन बनना। सेल्समैन वो होता है जिसको प्रोडक्ट बेचने पर ही ध्यान होता है, कैसे भी करके प्रोडक्ट बेचना है, गंजे को कंघी जाकर बेचनी है। लेकिन सही सेल्समैन होता है ना, वो जरूरतमंद की हेल्प करता है, प्रोडक्ट बेचने में सहयोग करता है, प्रोडक्ट खरीदने में सहयोग करना है, डिसीजन लेने में सहयोग करता है। उन लोगों की बात दुनिया में सुनी जाती है, उन लोगों की बात नहीं सुनी जाती जो केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। आप किसी के पास जाइए, दोस्ती कीजिए, रिलेशनशिप बनाइए, और फिर उसकी जरूरत को समझिए, और उसके बाद उस प्रोडक्ट का प्रमोट करना चालू कीजिए। जिस प्रोडक्ट को आपने यूज किया ना, सामने वाला समझेगा ये समझे। मैं फिल्म बहुत कम देखता हूं। एक बार मेरा दोस्त 3 Idiots फिल्म देख के आया, तो मेरे दोस्त को मैंने कहा फिल्म कैसी लगी, तो मेरा दोस्त मुझे ऐसे उंगली करके एक आंख बंद कर कर कहता है गजब सर, मजा आ गया। अरे भाई, उसने स्टोरी नहीं सुनाई, यू यू बोला और मुझे फिल्म समझ में आ गई, क्योंकि यू यू करने के प्रति उसका कॉन्फिडेंस था। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम खुद देख चुके होते हैं, जब हम खुद इस्तेमाल कर चुके होते हैं। अगर आपने वो यूज किया, अगर आपने इस्तेमाल किया, तो आपके धड़ल्ले से प्रोडक्ट बिकना चालू हो जाएंगे। मैं आसनसोल की उस लेडीज का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन आज के 3 साल पहले मैं आसनसोल की सेमिनार अटेंड करने गया था, एक लेडीज आई। उस लेडीज ने कहा कि मैंने 2 महीने में 100 न्यूट्रीचार्ज किट्स के डब्बे बेच दिए। मेरे को आश्चर्य हुआ, मैंने उनसे उनकी एजुकेशन पूछी तो 8वीं 10वीं पास थी। मुझे समझ में नहीं आया कि इसने 100 क्या करके बेच दिए। जब मैंने ध्यान लगाया, उससे पूछा कैसे बेचे, तो उसने कहा कि मेरा बच्चा बचपन से ही अस्थमा का शिकार था, अस्थमा उसको रहता था, बार बार उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता था, थोड़ी सी सर्दी गर्मी को वो सहन नहीं कर पाता था। मैं कई डॉक्टरों को बता दिया, कोई इसका इलाज नहीं था, लेकिन एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आया और उसने मुझे बताई। मुझे बिलीव तो नहीं था, लेकिन माँ का दिल था, मैं कोई प्रयास छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने न्यूट्रीचार्ज किट्स लिया और 3 महीने तक लगातार पिलाया, और उसका नतीजा था कि आज उसकी इतनी एंटीबॉडी, इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई थी
कि उसको जुकाम होना ही बंद हो गया, अब मेरा बच्चा आइसक्रीम खाता है। जब इस प्रोडक्ट का मुझे पता चला, जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करके देखा, उस दिन से मैंने बोलना चालू करा कि अगर आपका बच्चे को ठीक करना है तो इस प्रोडक्ट को लो। अब उस लेडीज को न्यूट्रिशन के इफेक्ट पता नहीं थे, इस प्रोडक्ट में क्या था पता नहीं था, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस था उस प्रोडक्ट को सेल करने में, और वो लेडीज ने उन प्रोडक्टों को सेल कर दिया। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, यूज करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें अच्छे लगेंगे उन्हीं को हम प्रमोट करेंगे, और जिनको हम प्रमोट करेंगे तो वो सेल में अपने आप बदल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट। अब ये तीन काम करने वाले लोगों को नेटवर्क में लाना है। जब भी कोई आदमी कॉमर्शियल बात करे, कॉमर्शियल काम करे, आपको कितना मिलता है, आपको कितना फायदा है, आपके कितने परसेंटेज है, जो ही कोई आदमी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आपके पैसों में बताना चालू करता है, आप उसे प्रोडक्ट देने के साथ साथ इस बिजनेस में ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन कुछ आदमी प्रोडक्ट लेने के लिए ही बिजनेस, प्रोडक्ट लेने के लिए ही आते हैं, उनको इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, तो जबरदस्ती ज्वाइन कराने का कोई फायदा नहीं है। संख्या बढ़ाकर आप करेंगे क्या? हर व्यक्ति जो आपके नेटवर्क में आया है वो प्रोडक्ट यूज करेगा, प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, प्रोडक्ट को सेल करेगा, और ये तीन काम करने वाले लोगों को अपनी टीम में लाएगा। और जिस दिन 100 आदमी हो गए, 250 रुपए पीवी का प्रोडक्ट अगर आप रोज का सेल करें तो 7,500 पीवी होते हैं, और 2,500 पीवी का प्रोडक्ट आप लेते हैं तो 10,000 पीवी आपके बनते हैं। 10,000 की डुप्लीकेशन अगर आपके करते हैं तो 100 आदमी आपकी टीम में, सिर्फ 100 आदमी आपकी टीम में ये काम करने वाले होते हैं, आप इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर होते हैं, 40,000 रुपए पर मंथ की इनकम होती है। इसका मतलब है कि ये काम आप करेंगे तो आपके बिजनेस की ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता, आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ होता जाएगा, डुप्लीकेशन से बढ़ता जाएगा। आपकी टीम की मीटिंग करना है, 100% यूजर को सम्मान देना है, और जब जब भी आप 100% यूजर को आप सम्मान देंगे तो आपका बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के अंदर होने वाला है। इस बिजनेस में कोई भी आदमी इसलिए कामयाब नहीं हो सकता कि वो बहुत बड़ा दिमागदार है, उसके बहुत सारे बात, उसके पास बहुत सारा पैसा है इसलिए वो कामयाब हो जाएगा। ये गलत फहमी है। दिमाग से इस बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलती। इस बिजनेस में दिमाग लगाने से आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, दिमाग लगाने से आप ट्रेडिशनल को बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी काम को करने के प्रति आपका उद्देश्य, और उस काम को करने के प्रति आपका उत्साह, एक्साइटमेंट कितना है, ये बात डिपेंड करती है कि हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे नहीं होंगे। अब एक्साइटमेंट कैसे आता है? एक्साइटमेंट तब आता है जब हम पांचों इंद्रियों को एक साथ काम में लेते हैं। हमारे पांच इंद्रियां हैं, कान है, नाक है, जबान है, त्वचा है और आंख है। जब भी किसी चीज को हम इन पांच इंद्रियों से एक साथ छुएंगे, वो जिंदगी भर के लिए हमारा एक्साइटमेंट बन जाएगी। आपको अगर मैं बोलूं कि आप में से 100 सारे के सारे आदमी, लगभग 14,000-15,000 आदमी यूट्यूब पर देख रहे हैं, 1,000 आदमी आपको यहां कह रहे हैं, देख रहे हैं, मैं अगर आपसे पूछूं आज की ही तारीख को पिछले साल इसी टाइम पर आप क्या कर रहे थे, आप में से एक भी आदमी ये नहीं बता पाएगा कि आप क्या कर रहे थे। लेकिन मजे की बात है, 26/11 के अटैक के दिन जो आदमी उस अटैक में शामिल था ना, जिस अटैक को उसने पांचों इंद्रियों से महसूस किया, वो अटैक वो आज दिन तक नहीं भूल पाया है। वो अपनी बर्थ डेट भूल सकता है, वो अपनी एनिवर्सरी की डेट भूल सकता है, लेकिन वो 26/11 की डेट नहीं भूल सकता। उस समय उसने इस सारी चीजों को पांचों सेंसर से इस्तेमाल किया, पांचों सेंसर से इन किया कि वो 26/11 की डेट को कभी नहीं भूल सकता। जब पांच इंद्रियों से आप काम करेंगे तो आपका काम होगा। पहला काम, आरसीएम के वंडर वर्ल्ड को, आरसीएम वर्ल्ड को विजिट करो। सबसे पहले जब इन पांचों इंद्रियों को आप सेंस करेंगे, जब कंपनी को आंखों से देखोगे, प्लांट को चलते हुए देखोगे, डिस्पेच को जाते हुए देखोगे, जब सुनोगे टीसी छाबड़ा जी के मॉर्निंग के सेशन को, जब पांचों इंद्रियों से करोगे ना, तो फिर तुम्हें कोई कॉन्फिडेंस से रोक नहीं पाएगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका होगा, बिल्ड हो चुका होगा। फिर तुम्हें कोई कहेगा ये क्या आरसीएम कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनी आती है, तो बोलेंगे आरसीएम जैसी कोई कंपनी नहीं है, मैं देख के आया। इसका मतलब यह है कि आप जब किसी चीज को देख लेते हैं तो आप 100% कन्विंस हो जाते हैं। एक आदमी ने दूसरे आदमी के थप्पड़ मार दी और आपने अपनी आंखों से देख लिया,
अब पूरा जमाना आकर आपको कन्विंस करे कि इसने थप्पड़ नहीं मारी, आप मानेंगे क्या? आप नहीं मानेंगे। आपने अपनी आंखों से देखा तो आप किसी की सुनेंगे नहीं। तो आरसीएम वर्ल्ड को विजिट करना है, आरसीएम के एकेडमी में आना है, अपनी टीम को रेगुलर लाना है, इसी छावड़ा जी की जो कार्यशाला होती है, जो क्लास होती है, उसको रेगुलर अटेंड करना है। अगर आप ये करेंगे तो धीरे धीरे आपका बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र में होना चालू हो जाएगा। और दूसरा काम क्या करना है? अपनी इंद्रियों से कामयाबी को देख, और कामयाबी को अगर आपको देखना है तो 14 तारीख नवंबर की भूल मत जाना। कितनी तारीख है? 14। 14 नहीं है, 13 तारीख है। कितनी तारीख है? 15। 15 नहीं है, 13 है। 13 नवंबर, 13 नवंबर को पूरे इंडिया में आरसीएम बिजनेस में जो एनिवर्सरी होने वाली है उसका महत्व समझ जाए। ये वो समागम है जो पूरे साल में एक बार होता है, और एक बार अगर आप चूक गए तो एक साल का आपको इंतजार करना पड़ता है। सारी कंपनी का मैनेजमेंट यहां पर होता है, टीसी छाबड़ा जी का मार्गदर्शन यहां पर होता है, आरसीएम के सारे कोर लीडर एक जगह पर पाए जाते हैं, आरसीएम के सारे रॉयल टीचर और सारे टेक्निकल एचीवर एक जगह पाए जाते हैं, आरसीएम के सारे नए अचीवमेंट पाए जाते हैं, न्यूट्रीचार्ज के सारे मैनेजमेंट पाया जाता है, दवा ओरिजिनल का मैनेजमेंट पाया जाता है, कीसोल का मैनेजमेंट पाया जाता है, गुड डॉट का मैनेजमेंट पाया जाता है, न्यूट्रीचार्ज का मैनेजमेंट पाया जाता है, सारे लोग एक जगह समागम होते हैं। जब इन चीजों को पांचों इंद्रियों से आप छूते हैं ना भाई साहब, तब जाकर कहीं अंदर से एक एक्साइटमेंट पैदा होता है किसी काम को करने का। और मजे की बात है, आरसीएम बिजनेस में एक एमराल्ड एंड अबव साथी बता दीजिए, मैं इस बिजनेस में आप जो कहेंगे वो करूंगा। एक एमराल्ड एंड अबव साथी बता दीजिए जो आरसीएम की किसी एनिवर्सरी में नहीं आया हो और एमराल्ड एंड अबव साथी बन गया हो, असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि एनिवर्सरी में अगर आप आ गए तो बहुत बड़ा काम आपका होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा माइनस पॉइंट यह है कि एनिवर्सरी की जो कैपेसिटी है वो 18,000 है, 18,000 है। और मजे की बात है कि 18,000 पास से ज्यादा इश्यू नहीं कर सकते। और मजे की बात है, एक लीडर को 500 पास मिल गए हैं, यानी 500 पास हो गए, एक कोल लीडर को 5,000 चाहिए और मिले हैं 500। अब आपका नंबर कैसे आएगा? अगर आपका नंबर आ गया तो टेक्निकल फाइनल है, और नहीं आया तो कुछ भी फाइनल नहीं होना, एक साल का इंतजार करना है। अब अगर आना है तो क्या करेंगे, क्योंकि एक कोल लीडर को 5,000 चाहिए और एक कोल लीडर को मिलेंगे केवल 500, और 500 जो उसके पास पास आएंगे उससे वो लोगों को सेलेक्ट करके देगा। अब आपको वो पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये पास आप कैसे लेंगे ये आपकी काबिलियत निर्भर करेगी। अगर मुझे बताओगे, मेरे से पूछोगे, मैं बताऊंगा आपको तरीका। कितने लोग पूछना चाहते हैं, एक बार हैंड रेज कीजिए, मैं तरीका बताता हूं कैसे मिलेगा पास। सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूं। एक मां है, उसके दो बच्चे एक साथ पैदे हो, यानी ट्विंस पैदा हो गए। अब एक बच्चा पैदा होने के बाद चुपचाप बैठा हुआ है, इधर उधर चुपचाप सोया हुआ है, इधर उधर देख रहा है, और दूसरा बच्चा तेज तेज चिल्ला रहा है, तेज तेज रो रहा है। तो आप मुझे बताइए, मां दूध पहले किसको पिलाएगी? चिल्लाने वाले को, चुप रहने वाले? चिल्लाने वाले को, ऑब्वियसली। बता दिया फॉर्मूला, आज से चिल्लाना चालू कर दो, अपनी अपलायन का जीना हराम कर दो। एक फोन सुबह एक फोन शाम को लगाओ और कहो कि सर मुझे पता नहीं आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मैं जाने वाला हूं, और आपका यह कर्तव्य है, परम धर्म है, मुझे आपको ले जाना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है, क्योंकि हर को लीडर अपनी टीम में ऐसे एक्साइटेड और कमिटेड आदमी को ढूंढ रहा होता है, और जब आपका कमिटमेंट उसे पता चल जाता है तो उसका नाम आपको याद रह जाता है और वो आपके लिए उस टिकट को रिजर्व करेगा। 13 नवंबर की इस एनिवर्सरी को भूल मत जाना, अभी से तैयारी कर लेना, क्योंकि जो आ गया उसकी पिन फाइनल, जो आ गया उसका कामयाबी फाइनल। लेकिन 100% प्लक यूज को भूल मत जाना दोस्तों, 100% प्लक यूज, नो एक्सक्यूज, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ही टीम में डुप्लीकेशन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, मैं उसके लिए सभी लोगों का पूरा आभारी हूं।